हमारे अध्यक्ष जी ने जो बोला था यही बात मैं बोलने जा रहा था, लेकिन उनका मन हुआ, कार्यक्रम के अध्यक्ष ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो निश्चित रूप से वो फलित भी होगा। इस क्रम में तुषा शर्मा को अभी काव्य पाठ करना है, देश की बड़ी कवियत्री हैं। अशोक चारण को काव्य पाठ करना है, मुझे और राधेश्याम भारती जी को काव्य पाठ करना है, लेकिन मैं इन चार महारथियों से पहले इस कवि सम्मेलन को एक तोहफा देना चाहता हूँ। इस कवि सम्मेलन की थोड़ी सी रंगत बदलना चाहता हूँ। ये देशभक्ति और सरोकारों से जूझता हुआ मंच थोड़ा सा प्रेम में तल्लीन करना चाहता हूँ। प्रेम का एक प्रबल पक्ष आपके फिरोजाबाद शहर से चलकर देश दुनिया में छाने वाला, कई बार लाल किले जैसे कवि सम्मेलन के मंच को लूटने वाला यशपाल यश आपका अपना बेटा यहाँ बैठा हुआ है। वे प्रेम के बड़े रचनाकार हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ और आपकी एकाग्रता चाहता हूँ। प्रेम वो संदर्भ है कि अगर प्रेम भक्ति भाव में तल्लीन हो जाए तो कविता का तेवर कुछ यूं हो जाता है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहे निरंतर गावें, जाहे अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुभेद बतावें। और नारद ते सुत व्यास रटे पचे हार गए तउ पार न पावे, ताए अहीर की छोरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। यह हमारे भक्ति का संदर्भ है प्रेम के तहत। यही प्रेम जब हमारे संयोग पक्ष से पल्लवित होता है तो हमारा गीतकार कहता है कि शाम तक था एक भमरा फूल पर मंडरा रहा, शाम तक था एक भमरा फूल पर मंडरा रहा, रात होने पर कमल की पंखुड़ी में बंद था, कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला कुछ न बोला, बस यही गाता रहा, मोहब्बत है क्या चीज हमें भी बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। तो ये प्रेम के बड़े रचनाकार भाई यशपाल यश जो मेरे अभिन्न मित्र हैं और आपके अपने फिरोजाबाद शहर के हैं, इस कवि सम्मेलन के संयोजक हैं, पूरे देश दुनिया में उनके गीत छाए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे इस माइक पर आए, और आपसे निवेदन करता हूँ कि आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर आप अपने आंगन के इस बड़े बेटे यशपाल यश का स्वागत कीजिए। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। अपराजिता बहुत अच्छा पढ़ रही थी, बहुत अच्छी अच्छी तालियां बजा रही, लेकिन आज मुझे बड़ा मैं इतनी बढ़िया बात आज मेरी समझ में आई। करीबन मैं 20 साल से इस मंच पे आऊँ, मतलब मुझे 20 साल हो गए इस मंच पे आते आते, लेकिन प्रमोद भाई साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा कि यशपाल तू कुमार विश्वास बन जाए, तू शैलेश लोढ़ा बन जाए। लेकिन आज जब अपराजिता ने पढ़ा तो उनके भीतर का जो कवि है वो जागा और उन्होंने पूरे मन से आशीर्वाद दिया है। नहीं, अभी भी कह रहे हैं कि यशपाल तू लटूरी लट्ट हो जाए। बिल्कुल, वो यही कह रहे हैं जे, लेकिन मैं लटूरी लट्ट हूंगा नहीं। तू क्या समझ, भाई साहब को क्या समझता है तू? देखिए जे, है ना, अब मैं लटूरी लट्ट जब बन जाऊं, अगर मैं लटूरी लट्ठ बन जाऊं तो लटूरी लट्ठ की औलादें क्या होंगी? डंडा संटी, समझे, और घरबारी होगी लठिया, यही तो होंगे। अब जिनने लटूरी लट्ठ मुझे बना दिया तो फिर मैं लटूरी लट्ठी बनता हूं पहले, उसके बाद यशपाल बनने की कोशिश करता हूं। यशपाली, यशपाली। मैं एक छंद पढ़ता हूं, और ये मतलब ये छंद पढ़ता हूं, और भाई साहब को देखना, मैं भाई साहब के घर गया ग्वालियर, एक हफ्ते के बाद हम दोनों कवि सम्मेलन करने के बाद घर पहुंचे, घर जाते हैं तो क्या स्थिति हो जाती है, भाई साहब बोले यार यशपाल चले एक पिक्चर आई है गुलाम, उसे देखते हैं। उसमें एक गाना था कि वातिया खंडाला चलती खंडाला, बस इस खंडाला को याद रखना और भाई साहब को देखना। एक दो लाइन है भाई साहब की हैं, तीन भाभी की हैं।
अपना कुछ नहीं है। और एक बार तालियां बजाओ फिर मैं शुरू होता हूं। कि देख के गुलाम, कि देख के गुलाम जी अबे लगाम हो गया था, देख के गुलाम जी अबे लगाम हो गया था, बोले घर वाली से कि चलती है खंडाला। कि देख के गुलाम जी अबे लगाम हो गया था, बोले घर वाली से कि चलती है खंडाला। बोली खाली गैस का सिलेंडर पड़ा हुआ है, बोली खाली गैस का सिलेंडर पड़ा हुआ है, भूखे सो गए हैं बच्चे जल्दी जाके कंडाला। कि जल्दी जाके कंडाला, और सब्जी नहीं है घर आटा टाटा कर गया है, जाके एक पैकेट ब्रेड आलू अंडाला। और लगता है बेटा तेरा बाप सटिया गया है, चर्बी उतारू जा किसी समूह का डंडाला। ये हुई ना बात। देखो अब मैं लटूरी लठ नहीं हूं, मैं यशपाल यश हूं, भगवान महावीर के मंच पे खड़ा हूं। आज मैंने एक बिल्कुल नया गीत लिखा है, मैंने अभी तक कागज से कभी नहीं पढ़ा, हाँ लेकिन मैंने कोशिश करता हूं। अरे यशपाल प्रयोग मत कर, पक्की पक्की चीज सुना। पक्की नहीं सुनाऊंगा, बाय सुना दे रहा हूं, मैं सुना दूंगा। कि मात जिन बाणी को प्रणाम बोलता हूं मैं, मात जिन बाणी को प्रणाम बोलता हूँ मैं, उसके बाद ज्ञान के कपाट खोलता हूँ मैं। मात जिन बाणी को प्रणाम बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि पढ़रम से काम नहीं चलेगा। या तो बिल्कुल संत नारायण की कथा की तरह बैठो, कोई सेंस नहीं है अपन को। बजाओ तो सलीके से बजाओ, कम से कम ताली बजाना तो सीख जाओ, अगले जन्म में काम देंगी। कि आप जब कि मात जिन बाणी को प्रणाम बोलता हूँ मैं, उसके बाद ज्ञान के कपाट खोलता हूँ मैं, जिसका जाप करने से मोक्ष द्वार खोलता हूँ, जिसके द्वार जाप करने से मोक्ष द्वार खोलता, वो नमोकारो मंत्र सुबह शाम बोलता हूँ मैं। जाऊँ सब वो नमोकारो मंत्र सुबह शाम बोलता हूँ मैं, जय हो जय हो जय हो जय जिनेन्द्र बोलता हूँ मैं, मात जिन बाणी को प्रणाम बोलता हूँ मैं, जिन बाणी को प्रणाम बोलता हूँ मैं, उसके बाद ज्ञान के कपाट खोलता हूँ मैं, जिसका जाप करने से मोक्ष द्वार खोलता, वो नमोकारो मंत्र सुबह शाम बोलता हूँ मैं, जय हो जय हो जय हो जय जिनेन्द्र बोलता हूँ मैं, जय हो जय हो जय हो जय जिनेन्द्र बोलता हूँ मैं। अहिंसा के पुजारी हम हिंसा के विरोधी रहे, मांसाहार छोड़ के खिलाते रोटी दाल को, दीनन के दीन बंधु और थे दया के सिंह, हाथ में उठाए रखा प्रेम की मसाल को, चींटी की भी हत्या को जो ब्रह्म हत्या मानते, देखे नहीं जीव जंतुओं के बुरे हाल को, यत्र तत्र सर्वत्र वर्तमान काहे मान, धस सत नमन हो त्रस लाके लाल को, सत सत नमन हो त्रस लाके लाल को, मात जिन बाणी को प्रणाम बोलता हूँ मैं, उसके बाद ज्ञान के कपाट खोलता हूँ मैं, जिसका द्वार करने से मोक्ष द्वार, जिसका जाप करने से मोक्ष द्वार मिलता हूँ, बोलोकारो मंत्र सुबह शाम बोलता हूँ मैं, नमोकारो मंत्र सुबह शाम बोलता हूँ मैं, नमोकारो मंत्र सुबह शाम बोलता हूँ मैं। मैं बाहुली भगवान की पूरी कथा को एक छंद में समेटने की कोशिश करता हूँ। मैंने जितना समझा जितना सुना, कि मात जिन बाणी को प्रणाम बोलता हूँ मैं, उसके बाद ज्ञान के कपाट खोलता हूँ मैं, जिसका जाप करने से मोक्ष द्वार खोलता, नमोकारो मंत्र सुबह शाम बोलता हूँ मैं, जय हो जय हो जय हो जय जिनेन्द्र बोलता हूँ मैं। सल ये लगी रही थी भूमि है भरत की, आप दिन रात तप त्याग में लगे रहे, अति बलशाली काम देव रूप आपका था, छोड़ वासनाएं अनुराग में लगे रहे, दृष्ट युद्ध जल युद्ध मल्ल युद्ध जीत
लिया आतुम युद्ध जीतने की याद में लगे रहे। अब जाना जाना है भरत को भी भूम छोड़ तब जाके आप मोक्ष मार्ग में लगे रहे। तब जाके आप मोक्ष मार्ग में लगे रहे। मात जिन वाणी को प्रणाम बोलता हूँ मैं उसके बाद ज्ञान के कपाट खोलता हूँ मैं। जिसका जाप करने से मोक्ष द्वार खुलता वो नमोकारु मंत्र सुबह शाम बोलता हूँ मैं। जय हो जय हो जय हो जय जिनेन्द्र बोलता हूँ मैं। जय हो जय हो जय हो जय जिनेन्द्र बोलता हूँ मैं। वाह वाह भरपूर तालियां बजाइए एक अच्छी रचना के लिए। देखो मत बजाओ अपन को तो कहनी थी वो कह दी। तेज भाई ने कहा कि वो मैं श्रृंगार की बात करूं चूड़िया वाला तो सुनाऊंगा मैं गीत चूड़िया वालों तो इन्होंने सबने बहुत सुना है जो बार बार ये कहने लगे कि सिर्फ चूड़िया ही सुनाता है जी। मैं एक नया गीत सुनाता हूँ आप लेकिन चूड़ियों की चार पंक्तियां पढ़ता हूँ मैं बिल्कुल नई और सुनो भाई साहब। कि खनक कर चूड़ियां जब प्रीत का पैगाम लिखती हैं। खनक कर चूड़ियां जब प्रीत का पैगाम लिखती हैं। महकती भोर लिखती है सुहानी शाम लिखती है। घोल देती मोहब्बत का मधुर मकरंद जीवन में। चूड़ियां जब कलाई पर हमारा नाम लिखती है। चूड़ियां जब कलाई पर हमारा नाम लिखती है। जब कलाई पे नाम लिखता है जिस दिन चूड़ियां उसके बाद की जो स्थितियां पैदा होती हैं जब कलाई पे नाम लिख जाता है तो शादी हो जाती है। वो अपने साधन का ही नाम लिखती है अपनी कलाई पे और शादी के बाद क्या होता है मैं उसका एक गीत पढ़ता हूँ। हाँ भैया कि घूंघट के पट जब घूंघट के पट जब सजन खोलते हैं। घूंघट के पट जब सजन खोलते हैं। अधर मौन रहते अधर मौन रहते नयन बोलते हैं। घूंघट के पट जब जिंदाबाद इसके थोड़ा क्या बोले घूंघट के पट जब सजन खोलते हैं। अधर मौन रहते अधर मौन रहते नयन बोलते हैं। घूंघट के पट जब सजन लेते हैं। फिर सुनिए कि सिसकारियां कंठ में कैद कर ली। सिसकारियां कंठ में कैद कर ली मगर भेद सारा कंगन खोलते हैं। घूंघट के पट जब सजन खोलते हैं। कि नथनी की लटकन कपोलों की लाली नथनी की लटकन कपोलों की लाली इन्हें चूमने मन मदन डोलते हैं। घूंघट के पट जब सजन खोलते हैं। वाह वाह अधर मौन रहते
नयन बोलते हैं घूंघट के पट जब, और एक से कि दिल के तराजू में, दिल के तराजू में रख कर मोहब्बत, दिल के तराजू में रख कर मोहब्बत, सजन चाहतों का बजन तोलते हैं घूंघट के पट जब, सजन खोलते हैं। और एक शेर है भाई साहब, मैं पूरे मंच का ध्यान रखता। हाँ भैया, कि उजालों ने तोहमत, उजालों ने तोहमत अंधेरों पे जड़ दी, उजालों ने तोहमत अंधेरों पे जड़ दी, गहन चोट खाए बदन बोलते हैं घूंघट के पट जब, सजन खोलते हैं अधर मौन रहते नयन बोलते हैं। और आखिरी में पढ़ता हूँ। हाँ भैया, कि यशपाल यश ने सुनाया जो तुमको, यशपाल यश ने सुनाया जो तुमको, इसे सेज सरगम भजन बोलते हैं घट के पट जब, सजन खोलते हैं अधर मौन रहते नयन बोलते हैं घूंघट के पट जब। अरे गीत सुनिए जरा, एक ही आप लोग तालियां बजा के फरमाइश कर दें, इतने इतने सस्ते में मत छोड़ो यशपाल को, पूरे पैसे मेरे को सुनानी पड़ेगी। अब मेरे को पीछे से यही कहा जा रहा है कि चूड़ियां सुना, चूड़ियां सुना दे। नहीं, चूड़ी चूड़ी चूड़ी। अब कितने जितने भी लेडीजों के, मैं जनरल स्टोर की बुक कर ले रहे दुकान, दुपट्टा भी मुझसे, चूड़ियां भी मुझसे, सारे। नहीं मैं सुना। अरे नहीं यार, चूड़ी सुना। कि आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ, आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ, गीत और गजल रुबाइयां सुनाता हूँ, आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ, गीत और गजल रुबाइयां सुनाता हूँ, स्वाग की निशानियां बनाता है हमारा सर, स्वाग की निशानियां बनाता है हमारा सर, सुनिए चूड़ियों का इतिहास बताता हूँ, आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ, आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ, प्रेम का संदेशा लेके आ गया तुम्हारे द्वार, लाया हूँ फिरोजी नीली लाल हरी चूड़ियाँ, ढलती हैं जहाँ वो शहर है फिरोजाबाद, अल्लड़ निगोड़ी नखरारी न्यारी चूड़ियाँ, क्वारियों के सपने सुहागन की जिंदगी है, सजनी का सोलह सिंगार मेरी चूड़ियाँ, मेरे घर गली गांव चौराहे नुक्कड़ों पे इठलाती बल खाती मतवारी चूड़ियाँ, इठलाती बल खाती मतवारी चूड़ियां, आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ, आपने लिखा था पत्र ऐसी लाना मेरे लिए, दिल में जगाए दिलदार प्रीत चूड़ियां, चंदा सितारे जड़ी नेह के रंगों में रंग, सतरंगी लाना मीना दार मीत चूड़ियां, मनु मनु हार लिए अंगना में नाचती हो, गाए सुबह शाम प्यारे प्यारे गीत चूड़ियां, त्याग बलिदान विश्वास की लगी हो, हिल यमराज से भी जंग जाए जीत चूड़ियां, यमराज से भी जंग जाए जीत चूड़ियां, आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ, गीत और गजल रुबाइयां सुनाता हूँ, कब कहाँ किन स्थितियों में क्या बन जाए,
कि फागुन में रंग और कार्तिक में दीप सिक्का सावन में झूलों की बहार बनी चूड़ियां सूर्य के सबद रस खान के सवैया बन गीत और गजल मल्हार बनी चूड़ियां ममता में डूब डूब प्यार का पियाला पिए फर्ज की पुजारा ने कहार बनी चूड़ियां जब जब देश की अखंडता का प्रश्न उठा कालिका के हाथ में कटार बनी चूड़ियां कालिका के हाथ में कटार बनी चूड़ियां आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ त्रेता में चूड़ियों से छेड़छाड़ की गई तो दैत्य परिवार का विनाश बनी चूड़ियां जब हुआ द्वापर में द्रौपदी का चीरहरण कौरवों का मित्र सर्वनाश बनी चूड़ियां सावित्री ने विधि का विधान ही बदल डाला सती साधना का इतिहास बनी चूड़ियां सारी उम्र रिश्ते नाते फर्ज ये निभाती रही माँ बहन बेटी बहु सास बनी चूड़ियां माँ बहन बेटी बहु सास बनी चूड़ियां आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ गीत और गजल रुबाइयां सुनाता हूँ स्वाग की निशानियां बनाता है हमारा सर सुन्य चूड़ियों का इतिहास बताता हूँ आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ चंदन का बलिदान पन्ना धाय ने दिया तो त्याग बलिदान की कहानी बनी चूड़ियां तीनों देव अनसुईया के पालना में झूल ममता की अमर कहानी बनी चूड़ियां पद्मिनी ने जौहर व्रत करके दिखा दिया तो नारी स्वाभिमान की कहानी बनी चूड़ियां मोह मुग्ध साजना की वीरता जगाने हेतु खुद शीश काट हाड़ी रानी बनी चूड़ियां खुद शीश काट हाड़ी रानी बनी चूड़ियां आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ गीत और गजल रुबाइयां सुनाता हूँ स्वाग की निशानियां बनाता है हमारा सिर सुन्य चूड़ियों का इतिहास बताता हूँ आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ युगों युगों सदियों से इनकी कहानी सुनी राम जी की शक्ति बनी जानकी की चूड़ियां जमुना किनारे मन मोहना के संग नाची बरसाने वाली राधा रानी जी की चूड़ियां आनवान शान स्वाभिमान से लड़ी थी जन देश की दुलारी लक्ष्मीबाई जी की चूड़ियां गाती मेरो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई ब्रह्मलीन हुई मीरा बाई जी की चूड़ियां आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ गीत और गजल रुबाइयां सुनाता हूँ स्वाग की निशानियां बनाता है हमारा सर सुन्य चूड़ियों का इतिहास बताता हूँ आप जब बुलाते हो तो दौड़ा चला आता हूँ वाह वाह बहुत बहुत बधाई यशपाल यश को शानदार काव्य पाठ के लिए एक बार मेरे कहने से भी तालियां बजा दीजिए बहुत खूबसूरत काव्य पाठ के लिए दोस्तों अब हाँ बच्चे